ये बता दें आपको कि पुलिस अधीक्षक को हटाया गया है। बड़ी खबर बालोद से आ रही है, पुलिस अधीक्षक गोवर्धन राम ठाकुर को हटाया गया है। जितेंद्र कुमार यादव बालोद के नए पुलिस अधीक्षक होंगे। मुख्यमंत्री के बालोद जिले से निकलते ही ये ट्रांसफर आदेश आया है। गोवर्धन राम ठाकुर को PHQ बुलाया गया है। तो बड़ी खबर बालोद से आपको बता रहे हैं, पुलिस अधीक्षक गोवर्धन राम ठाकुर को हटाया गया है। जितेंद्र कुमार यादव बालोद के नए पुलिस अधीक्षक होंगे। मुख्यमंत्री के बालोद जिले से निकलने के बाद ये ट्रांसफर का आदेश आया है। गोवर्धन राम ठाकुर को PHQ बुलाया गया। तो आखिरकार इसके पीछे की क्या वजह रही है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। क्या ये रूटीन के तौर पर ट्रांसफर हुआ है या इसके पीछे कोई और वजह है, और गोवर्धन राम ठाकुर को PHQ क्यों बुलाया गया है, ये तमाम वो सवाल है जो कि स्पष्ट होने बाकी है। लेकिन ये खबर बालोद से आ रही है। तो पुलिस अधीक्षक गोवर्धन राम ठाकुर को हटाया गया है, ये बड़ी खबर। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज नायक जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या वजह बताई जा रही है इनको हटाने के पीछे की? देखिए, कुछ देर पहले जो है छत्तीसगढ़ प्रशासन के लिए वहाँ आदेश जारी किया है, जिसमें बालोद ठाकुर को हटा दिया गया। उनकी जगह जो है जिम्मेदारी जो है 2018 के जितेंद्र कुमार यादव की सौंपी गई है। वही गोवर्धन राम ठाकुर को सहायक पुलिस महानिदेशक पद पर प्रदान किया गया। आपको बताना चाहूंगा की यह जो पूरा मामला है बालोद में, अब से कुछ दिनों पहले जो है आदिवासी समाज की एक रैली थी, जिसमें छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष वीर बघेल ने जयंत कुमार पर अभद्र टिप्पणी की थी। इसके बाद जयंत कुमार काफी भड़क गया था और इसके बाद जयंत कुमार की ओर से FIR भी कराया गया था। इस मामले में जो है करीब 12 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। वही जो है जयंत कुमार तब भी शांत नहीं हो रहा था, उनका आक्रोश निरंतर जारी था। वे अमित बघेल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आ गए थे। इसके बाद जो है बालोद पुलिस ने जो है अमित बघेल की पड़ताल शुरू की और कल जो है उन्हें अंबिकापुर सरगुजा संभाग से गिरफ्तार किया गया है। वही जो है इस मामले को लेकर ही जो है बालोद व्यक्ति पर गाज गिरी है और उन्हें जो है PHQ भी जारी। बिल्कुल मनोज, आप नजर बनाए रखिए इस पूरे मामले पर। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। रुक करते अगली खबर का।